ओम शांति। हमें बेहद हर्ष है कि आज आप सभी मेडिटेशन की जिज्ञासा रखने वाले मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी पे हैं। कल तक हम ये समझते आए कि मेडिटेशन अर्थात अपने सब कार्य जिम्मेदारी छोड़कर आंख बंद करके एक जगह पर चुपचाप बैठ जाना। लेकिन मेडिटेशन इज नॉट जस्ट सिटिंग क्वाइटली एट वन प्लेस डूइंग नथिंग, बट मेडिटेशन इज अडॉप्टिंग अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल व्हिच इज पॉसिबल ओनली थ्रू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ये एक साइंस है। जैसे साइंस आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। स्पिरिचुअलिटी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज अर्थात विजडम, नॉलेज अबाउट सेल्फ, नॉलेज अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉलेज अबाउट कनेक्शन विद द मेडिटेशन। आज हम यही शेयर करेंगे आपके साथ। दूसरा कंपोनेंट है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन को जानने से पहले हम राजयोग का अर्थ समझ लें। राजयोग में द वर्ड है योग। अच्छा, आप जानते हैं वियोग का अर्थ है सेपरेशन, तो इसका मतलब योग का अर्थ है कनेक्शन, रिलेशन, यूनियन, लिंक। तो किसका कनेक्शन किसके साथ? कनेक्शन इज ऑलवेज बिटवीन टू, सो वन इज सब्जेक्ट, अदर इज ऑब्जेक्ट। तो मेडिटेशन की इच्छा रखने वाली मैं कौन? क्या हम खुद को जानते हैं? जब हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें myself सिखाया जाता है। My name, my age, my class, my country, my parents, my school, what is mine, वो तो मुझे बताया गया, लेकिन who am I? I self किसी ने नहीं बताया। Spirituality starts with knowing the real I self. Spirituality starts with knowing the self. अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप अपना नाम, प्रोफेशन, इससे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे या तो अपना रोल बता देंगे। अलग अलग रोल्स जो हम प्ले करते हैं, एक माँ का, बच्चे का, भाई बहन, पति पत्नी, ये अलग अलग रोल्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे, पर ये हमारा रियल इंट्रोडक्शन नहीं है। तो मैं कौन हूं? जब आपने सुना है यह जग एक रैन बसेरा है, आए है तो जाना है, कभी देखा शरीर को जाते हुए? नहीं। तो कौन जाता है? आत्मा, वो एनर्जी जिसे हिंदी में आत्मा कहते, इंग्लिश में सोल कहते, स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, और साइंस उसे लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स कहती है। तो मैं वो एनर्जी हूं, ह्यूमन एनर्जी। जब हम कहते हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, तो स्पिरिचुअलिटी बीइंग पार्ट से डील करती है। आज तक हम एक दूसरे को जानते हैं एज ए ह्यूमन डूइंग्स। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उससे हम एक दूसरे को जानते हैं, बट वो बीइंग पार्ट जो है वो मिसिंग है। एक डॉक्टर जब सर्जरी के लिए थिएटर में जाता है, कहता है टेक द पेशेंट इन, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कहता है टेक द बॉडी आउट। व्हाट्स द डिफरेंस? पहले पेशेंट कहा और फिर बॉडी कहा, तो क्या मिसिंग है? ह्यूमन एनर्जी, लाइफ एनर्जी जिसे आत्मा कहते।
तो आत्मा जब ये शरीर धारण करती है, ये बॉडी जो उसकी कॉस्ट्यूम है, जो बहुत ब्यूटीफुली फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बनी है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड ईथर एलिमेंट, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है नेचर के इस फाइव एलिमेंट्स का, जिससे हमें ये कॉस्ट्यूम मिला। ये कॉस्ट्यूम जो हम ह्यूमन एनर्जीज धारण करते हैं टू प्ले अवर पार्ट, टू प्ले अवर रोल, टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स। तो हम क्या एक्सप्रेस करते हैं सिंस मॉर्निंग टिल नाइट? सुबह से लेकर रात तक इस शरीर के माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, अंडरस्टैंडिंग, लाइक्स, डिसलाइक्स, माय हैबिट्स, ये सब कुछ आत्मा एक्सप्रेस करती है। और आत्मा एक्सप्रेस करती है अपनी तीन फैकल्टीज के जरिए, जिसे कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स। आत्मा एक बीज की तरह है, अगर एक बीज को ग्लास भरे पानी में रख दें तो वो ग्रो नहीं होगा, लेकिन वही बीज को हम धरती में बोएं, सूरज की किरण आने दें, हवा आने दें, पानी डालें, तो वही बीज फलीभूत होता है, फल फूल दे सकता है। इसी प्रकार आत्मा एक बीज की तरह है, जब वो फाइव एलिमेंट से बनी ये कॉस्ट्यूम एडॉप्ट करती है तो आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये एक एनर्जी है, बट हम अलग अलग रूप में उसे एक्सप्रेस करते हुए देखते हैं। मान लीजिए वही गैजेट, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी वही पावर है लेकिन एसी के माध्यम से भी यूज करते हैं, हीटर भी है, रेफ्रिजरेटर है, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, कूलर, एवरी डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे जो एनर्जी काम कर रही है वो एक ही है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह जब हम सोचते हैं, जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, अर्थात हमारा मन काम कर रहा है, थॉट्स, वैरायटी टाइप ऑफ थॉट्स उठते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अलग अलग टाइप ऑफ थॉट्स उठते हैं, तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए सेकंड फैकल्टी है इंटेलेक्ट, वो है बुद्धि, वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि जो है वो डिसाइड करती है, निर्णय लेती है, राइट है थॉट या रॉन्ग है, ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, ये गुड है या बैड है। सो वो डिसीशन जो है, डिसाइडिंग फैकल्टी, वो है इंटेलेक्ट। और जो हम डिसीशन लेते हैं उस पे बेस्ड जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो बन जाते हैं हमारे संस्कार, हैबिट्स, जिसे आम भाषा में हम आदत कहते हैं। ये आत्मा की तीन फैकल्टीज के जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारा मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और ही समझ रही है, और करते हम कुछ तीसरा ही है। सो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इन अवर MIS, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स। हम अपने MIS को चेक करेंगे, हार्मनी में लाएंगे, कोऑर्डिनेशन करें, चेक करें और चेंज करें। मेडिटेशन हमें यही सिखाता है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, उसमें वैरायटी ऑर्गन्स है, एवरी ऑर्गन का फंक्शन अलग है, एक ऑर्गन का फंक्शन न मिले दूसरे से, लेकिन सभी ऑर्गन मिलजुल के काम करते हैं तो वी फील हैप्पी, हेल्दी, वी एंजॉय लाइफ। इन द सेम वे हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, अगर तीनों ही हार्मनी में काम करेंगे तो हम हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल एंजॉय करेंगे लाइफ को। लेकिन आज हम देखते हैं
फिर से हार्मनी हमारे MIS में रहा नहीं, इसलिए स्ट्रेस, वरी, टेंशन, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज फेस करते हैं। राजयोग मेडिटेशन हमें सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है राजयोग मेडिटेशन कि जिससे हम अपने MIS में कोऑर्डिनेशन ले आते हैं और जिससे हम जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल फील करते हैं। तो आत्मा की ये तीन फैकल्टीज है जिसको ऑर्गेनाइज करने में हमें मेडिटेशन हेल्प करता है। साथ साथ आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है, वो है सेंटर ऑफ द फोरहेड इन द मिडस्ट ऑफ आईब्रोज, जहां पर हम तिलक अप्लाई करते हैं। यहाँ आत्मा की सेफ सीट है, जैसे एक ग्लास बॉटल है फुल ऑफ चॉकलेट्स। दिखाने को तो हम कहेंगे ये चॉकलेट्स है, लेकिन लेने के लिए वी हैव टू ओपन द लिड एंड गेट इट। इसी प्रकार ब्रेन में, इनसाइड द ब्रेन नियर हाइपोथैलेमस, देयर इज अ सेफ सीट ऑफ द सोल, जिसे अकाल तख्त भी कहते हैं। वहां से आत्मा पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। तो हमारी जो स्पाइन है, जहां हेलो एरिया है, वहां से आत्मा की जो एनर्जी है वो पास होती है और 7 टाइप ऑफ एनर्जीज हम आत्माएं रेडिएट करती हैं, जो हमारी अपनी निजी ओरिजिनल इननेट क्वालिटीज हैं, वो एनर्जी कहें या पावर्स कहें। तो हमारे अंदर ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां से हम 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसे फिजिकल योगा पीपल 7 चक्रास ऑफ द बॉडी कहते हैं, वो एनर्जी सेंटर्स हैं। सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज। सेकंड है प्यूरिटी। थर्ड एनर्जी है पीस। फोर्थ हैप्पीनेस। फिफ्थ लव। सिक्स्थ पावर एंड 7th ब्लिस। ये मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताया। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज अर्थात विजडम, वो चाहिए हमारे ब्रेन को, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर रन होता है। उसके बाद प्योरिटी चाहिए हमारे फेस को, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच। तो इससे हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा चलता है। तीसरी है एनर्जी पीस, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स, वो प्रॉपर रन होता है पीस की एनर्जी से। फोर्थ है हैप्पीनेस। आपने सुना होगा, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो उससे हमारा स्टमक हेल्दी रहता है, अर्थात हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रन होता है। फिफ्थ है लव। आप जानते हैं लव का सिंबल है हार्ट। हार्ट को चाहिए एनर्जी ऑफ लव, और हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रॉपर रन करना। तो इस एनर्जी से हमारा ये सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। और सिक्स्थ है पावर। Here I'm not talking about physical power or political power, but spiritual power. जब एक आत्मा spiritually powerful है, तो उसकी health अच्छी रहती है। So power चाहिए हमारे bones और muscles को, तो हमारा skeletal system, muscular system अच्छा चलता है। Last है 7th bliss. Bliss माना आनंद, ultimate. जहां ये 6 क्वालिटीज है, वहां है आनंद, ब्लिस, जिसमें हम भरपूर हैं, जिसमें हमारी हैप्पीनेस इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पर, व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है। तो वो ब्लिस की स्टेज पर पहुंचना, वो मदद करता है राजयोग मेडिटेशन। सो राजयोग मेडिटेशन ये एक प्रोसेस है, ये हमारी एक जर्नी है, which starts from knowledge, first energy, and we have to reach till
ब्लिस, आनंद तक पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। और राजयोग मेडिटेशन से जब हमारे अंदर ये एनर्जीज को हम रियलाइज करते हैं, हम प्रैक्टिकल उसे यूज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आज हमने देखा कि ये क्वालिटीज हमारी अपनी हैं, हमारे अंदर है, लेकिन ये क्वालिटीज कम हो गई हैं परसेंटेज वाइज। कैसे पता चला? तभी तो हमें दूसरों से मांगना पड़ता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट टू गिव अस पीस, हैप्पीनेस, पावर एंड लव। दिस मींस हमारे अंदर कम हो गई है, तो इस एनर्जी को पाने के लिए इस एनर्जी का सोर्स कौन है? कोई शॉप, कोई मॉल, ये तो हो नहीं सकता। आप किसी मॉल में जाकर ये तो नहीं कह सकते कि मुझे आधा किलो शांति दे दो, पीस दे दो, अच्छा तो पाव किलो खुशी ही दे दो। नहीं, ये चीजें हम खरीद नहीं सकते, लेकिन ये जो हमारी जो बेसिक एनर्जी नीड है, इसका सोर्स जो है वो है सुप्रीम, जिसके लिए हम सभी पॉइंट आउट करते हैं, वो शांति के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, वो पवित्रता के सागर हैं। आप जानते हैं, संसार में सदियों से आपने देखा सुना होगा, जब भी कोई व्यक्ति लो फील करे, दुखी, अशांत, परेशान, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस या कोई भी प्रकार का सौरो या पेन में है, लेस एनर्जी में है, तो सबने उनको पॉइंट आउट किया, इशारा किया टुवर्ड्स दी सोर्स। तो हम ह्यूमन एनर्जीज का वो सोर्स कौन है? वो है ऑब्जेक्ट, हमारे मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट परमानेंट हो, अनचेंजेबल हो और जिससे हमें प्राप्ति हो। कुछ लोग हैं कैंडल पर ध्यान देंगे, लेकिन वो तो मेल्ट हो जाएगी। कुछ लोग हैं अगर मूर्ति पर ध्यान देंगे तो कभी श्रृंगार पर ध्यान जाए, कभी यहां वहां, लेकिन सोर्स ऐसा हो जो परमानेंट हो, अनचेंजेबल हो और जिसे सभी मानते हो, जो सर्वधर्म जिनकी ओर पॉइंट आउट करते हैं, वो सोर्स है, वो है सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं परमपिता, परम आत्मा। मैं आत्मा हूं और वो परम आत्मा है। आई एम अ सोल, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, और वो है सुप्रीम सोल। वो सोर्स कौन हो सकता है जिसे सब धर्म मानते हो? वो है परम पिता परमात्मा, जो ब्रिलियंट पॉइंट ऑफ लाइट, थाउजेंड सन से भी पावरफुल, जिनके लिए कहते हैं वो ज्योति स्वरूप, जिनका जो फॉर्म है, भले मैंने वर्ड ज्योति कहा लेकिन ये वर्ड भी छोटा है उनके लिए, पर हमारी वोकैबुलरी में अंडरस्टैंड करने के लिए हम उन्हें ब्रिलियंट ऑल पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, जिन्हें आप देखते हैं हर धर्म मानता है। अगर आप हिंदू रिलीजन में देखें तो भारत में चारों ओर वो लिंग की पूजा करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह आप देखेंगे तो उसकी पूजा करते हैं। श्री राम जी ने भी रामेश्वरम में उनकी पूजा की, जिसके यादगार में वो टेम्पल बना। तो हर प्रकार से आप देखेंगे गोपेश्वरम कहते हैं, माना उनका भी कोई ईश्वर है, और वो है सोर्स, सुप्रीम लाइट, जिन्हें वो ज्योति कहते, इसलिए उनको न स्त्रीलिंग कहते न पुल्लिंग कहते, लेकिन ज्योतिर्लिंगम कहते, वो ज्योति है, परम ज्योति, जैसे क्राइस्ट जी ने कहा गॉड इज लाइट। उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, बट हु इज गॉड, गॉड इज लाइट, वो ज्योति है। इसलिए वहां पे एक स्टैंड है हनुका, जिस पर वो कैंडल्स जलाते हैं, एक बड़ी कैंडल होती है और बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स होती, वो छोटी कैंडल्स हम आत्माओं का प्रतीक है और वो बड़ी कैंडल
परम पिता परमात्मा का प्रतीक है, जिन्हें गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार एक परमात्मा निराकार है, ज्योति है, इनकॉर्पोरियल है। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं आप जानते हैं वो कहते हैं अल्लाह नूर है, नूर अगेन इज लाइट, ज्योति। और पारसीज बिलीव फायर इज गॉड, फायर अगेन इज लाइट। इजिप्शियंस बिलीव सन इज गॉड, सन अगेन इज लाइट। तो चाहे कोई कैंडल की लाइट जलाए, कोई दीपक की लाइट जलाए, कोई नूर कहे, कोई फायर जलाए, लेकिन इन शॉर्ट सभी बिलीव करते हैं कि वो जो सोर्स है वो ज्योति है, परम शक्ति है, परम सत्ता है। साइंस ने प्रूव किया है अभी जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट ही तब होता है जब सोर्स है। जब सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तभी ये मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। तो वो जो सोर्स है वह यूनिवर्सल सोर्स परम पिता परमात्मा, जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, जिन्हें आप इन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन एनर्जी हमें उनसे ही मिल रही है। अर्थात आप देखते हैं जन्म से पहले जब बच्चा वोम्ब में है तब क्या मदर बच्चे को देख सकती है? नहीं। क्या बच्चा माँ को देख सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी एनर्जी कहाँ से जा रही है? बच्चे को माँ से ही जा रही है। सो हम ह्यूमन एनर्जीज को पावर एनर्जी प्राप्त हो रही है उस सुप्रीम सोर्स से। इसलिए जब भी संसार में कोई लो एनर्जी फील करते हैं तो उन्हें पॉइंट आउट किया जाता है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाओ, आप उनसे जुड़ जाओ। वो परमपिता परमात्मा जो सोर्स हैं, जो लाइट हैं, उनसे हम कनेक्ट हो जाएं और तब हम उनकी सारी पावर्स, वर्चूज, क्वालिटी, वो एनर्जी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। वो परमपिता परम आत्मा, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, जिनसे हम कनेक्ट हो जाएं, वही है राजयोग मेडिटेशन। मेडिटेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम Latin word medirai. Medirai means to heal. तो परम पिता परमात्मा सुप्रीम हीलर है। वो परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, आपने रूप तो जान लिया लेकिन नाम, उनका नाम शिव परम पिता परमात्मा कहते, जो कि यूनिवर्सल नेम है, जिसका मीनिंग है सीड। सीड माना क्रिएटर, इसका मतलब है लाइट, ज्योति। जीरो, क्योंकि जीरो न्यूट्रल नंबर है, उसमें ना पॉजिटिविटी है ना नेगेटिविटी है, तो वो संसार की ड्यूअलिटी से परे हैं। पाप पुण्य, लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, कर्म फल, इन सब बातों से परे हैं। वो ज्योति है, एटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, वो एवर प्योर है। तो संसार में कोई भी भाषा में, कोई भी धर्म, किसी भी नाम से उनको पुकारता हो, लेकिन उस नाम का अर्थ इन्हीं मीनिंग में से होगा, आइदर प्योर, आइदर सीड, क्रिएटर, आइदर जीरो, न्यूट्रल, कल्याणकारी। यही परमात्मा का नाम है। वो परमात्मा, उस सोर्स से हम अपने आप को कनेक्ट कैसे करें? लाइट तो चालू ही है, एनर्जी तो फ्लो हो ही रही है, सिर्फ मुझे अपने आप को ट्यून करना है। जैसे प्रोग्राम्स तो रिले हो ही रहे हैं सैटेलाइट चैनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन हम जिस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करेंगे वैसे ही प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं। इसी प्रकार सन की लाइट अगर आ रही है, वो तो आ ही रही है, नेचुरल है, लेकिन अगर हमने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, पर्दे बंद कर दिए, तो हम कैसे रिसीव कर सकते हैं वो लाइट और वो पावर? इसलिए सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, उनसे कनेक्ट होने के लिए पहले तो हम
अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में स्थित करें, पहले तो ये क्लियर हो कि मैं मेडिटेशन करने वाली कौन। अगर मैं अपने आप को बॉडी, मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरा रोल, इसी कॉन्शियसनेस के साथ मेडिटेशन करेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो मिलन करना इजी हो जाता है। मान लीजिए एक सुई में धागा डालना है, छोटा सा होल होता है, उस छोटे से होल को देखने के लिए हम आंखें बड़ी बड़ी नहीं करते और ही सूक्ष्म करते हैं, छोटी करते हैं। तो ज्योति परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए मुझे भी अपने रियल कॉन्शियसनेस, ज्योति कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होना होगा, तभी ही मिलन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को आत्मा निश्चय करूं। जैसे दो इलेक्ट्रिक वायर्स को अगर मुझे जोड़ना है तो पहले हम ऊपर का रबर निकालते हैं, फिर वो वायर्स जुड़ती हैं तो करंट फ्लो होता है। अगर एक वायर का रबर निकाला और एक वायर का रबर नहीं निकाला है और हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा जो यूनिवर्सल लाइट है, उनसे कनेक्ट होने के लिए मैं भी अपने ओरिजिनल सोल फॉर्म, लाइट फॉर्म में अपने आप को स्थित कर दूं। उसके बाद हम अपने घर परमपिता परमात्मा जो रहते हैं परम धाम में, जो सूर्य चांद तारागण से भी पार सबसे ऊंचा धाम है परम धाम, जिसे क्रिश्चियंस हाईएस्ट हेवन कहते, जिसे मुस्लिम्स रूहों की दुनिया कहते, जिसे हिंदूस ब्रह्मलोक कहते, जो ब्रह्म तत्व से बना है क्योंकि वो अंडाकार है, उसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। वो है शांति धाम, वो है मुक्ति धाम, जहाँ पे हम आत्माएं और परमात्मा रहते हैं। वो है हमारा परमानेंट होम, वो है हमारा एटर्नल होम। हम कहते हैं परमपिता परमात्मा के लिए ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचते ऊंच परमात्मा। तो इसलिए उनका रहने का स्थान भी ऊंचा है, क्योंकि उनसे कनेक्ट होना मींस ऑटोमेटिकली हायर फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी पर रहने से हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं और सक्सेस फील कर सकते हैं। आप सोचते होंगे व्हाई गॉड, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड इन माय लाइफ, व्हाई गॉड, वो मेरा ऑब्जेक्ट क्यों है मेडिटेशन में? क्योंकि वो सोर्स है। भले आप दुनिया में, अगर आपके कोई मटेरियल नीड्स हैं, आपकी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की नीड्स हैं, लेकिन वो फुलफिल करने के लिए भी मुझे जो पावर चाहिए वो आज कम हो गई है, और उस पावर को बढ़ाने के लिए अर्थात खुद को एम्पावर करने के लिए मुझे सोर्स से कनेक्ट होना होगा। इसलिए गॉड इज इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, इसलिए परमपिता परमात्मा जो सोर्स है उनसे कनेक्ट हो जाए। और कहते हैं गॉड इज नॉट वेरी फार अवे, गॉड इज जस्ट अ थॉट अवे। तो हम क्या करते हैं, अपने थॉट से कनेक्ट होते हैं। बेसिकली आपको नॉलेज मिली, उसके बाद अपने थॉट्स, तो थॉट्स कितने प्योर होने चाहिए, थॉट्स कितने रिफाइन होने चाहिए, क्योंकि वही थॉट नेगेटिव वॉइसेस से बड़ा भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, और वही थॉट मुझे सोर्स से कनेक्ट कर सकता है जिससे मैं जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकूं। सो आई हैव टू डिसाइड मेरे कौन से थॉट हूं। सो मेडिटेशन अर्थात कि मैं अपने थॉट्स को टर्न करूं इनवर्ड। दूसरा, हम अपनी इंटेलेक्ट को ट्यून करें, इंटेलेक्ट जिसका काम है फोकस, अटेंशन। तो हम फोकस करेंगे, पे अटेंशन, जिसे वैसे भी आप जानते हैं मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान लगाना। ध्यान, द सिंपल मीनिंग ऑफ वर्ड ध्यान इन इंग्लिश इज अटेंशन। जस्ट पेइंग अटेंशन ऑन गॉड इज ध्यान लगाना, वेरी सिंपल। वैसे ही
अगर आप इस दुनिया में जहां फोकस करें, एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज पर फोकस करे तो उसके लिए मेडिटेशन है। तो जो हम पाना चाहते हैं उस पर फोकस करना मेडिटेशन है। लेकिन ये राजयोग मेडिटेशन है, क्योंकि इसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मेरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं है, लेकिन ये है परमात्मा की ओर ध्यान, ये सोर्स की ओर ध्यान, जिसे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर फ्लो हो एनर्जी और जिससे मैं जीवन में जो चाहूं, जैसे चाहूं, जब चाहूं वो पा सकूं। अर्थात सक्सेस के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन किसे करना चाहिए? सबको करना चाहिए, इवन बच्चों को भी। अगर 5 साल का बच्चा हो तो उसे जरूर एक जगह पर बैठकर फोकस करना जरूर सिखाना चाहिए। इस उम्र से ही अगर हम आदत डालें तो बहुत अच्छा। और जिसकी जितनी उम्र है उतने मिनट मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा होगा इन अ डे। अगर एक 5 साल का बच्चा है उसे 5 मिनट्स आप जरूर, भले सोर्स की ओर नहीं, लेकिन अगर उसे जो भी चाहिए उसकी ओर फोकस करना भी जरूर सिखाएं, क्योंकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अब इंटेलेक्ट के जरिए हम विजुअलाइजेशन पावर यूज करते हैं। सेकेंड इज विजुअलाइजेशन पावर। सो अपनी नॉलेज के आधार पर विजुअलाइज करें कि एज इफ यू आर रिसीविंग पावर। हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार तीनों फैकल्टीज के माध्यम से मेडिटेशन करेंगे। पहले हमने टर्न किया अपने अटेंशन इनवर्ड और फिर हमने अपनी इंटेलेक्ट को ट्यून किया और इसी तरह अपने संस्कारों को ट्रेन करें। टर्न, ट्यून एंड ट्रेन, तीन वर्ड्स याद रखें। अपने संस्कार को ट्रेन करना अर्थात एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना। देखिए बचपन से स्कूल, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट, पेरेंट्स सभी हमें यही सिखाते हैं कि अच्छा पढ़ लिख कर अपने जीवन बनाओ, अच्छी पोस्ट प्राप्त करो ताकि आपको सब सुख सुविधाएं मिल सके। लेकिन इनमें से किसी ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि आपको क्या सोचना है, आपको कैसे सोचना है, कौन से टाइप ऑफ थॉट्स, आपको कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं, आपको इस सिचुएशन में ऐसे फील करना है ऐसे नहीं करना है, इस व्यक्ति के साथ इस तरह से बिहेव करना है जैसे नहीं करना है। हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, इसके प्रति कोई गाइडलाइंस नहीं मिली और ये मिलती है स्पिरिचुअलिटी से। और इसको जैसे रोजाना जिंदगी में हम अडॉप्ट करते हैं तो ये हो जाती है हमारी मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। क्योंकि हमारा खान पान, उठना बैठना, सोचना, फील करना, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे वर्ड्स, ये सब कुछ पॉजिटिव चेंज हो जाता है। फिर हम चेंज की सिर्फ बातें नहीं करते, मेडिटेशन से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर चेंज नहीं आती है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में बिहेवियर लेवल पे चेंज आता है। आप जो चेंज, जैसा चेंज खुद के लिए चाहते हैं वो आप में ऑटोमेटिकली आ जाता है सिर्फ डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप एक्सपीरियंस करें, ट्राई तो कर सकते हैं, टेस्ट करें, जैसे आपको बेनिफिट मिलेगा ऑटोमेटिकली आपका और इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड है, मानव मन की पद्धति है, जहां से फायदा होगा, प्राप्ति होगी, वो कार्य जरूर करना चाहेंगे। आप एक बच्चे से कभी कहो बेटे ये काम कर दो, कहेंगे इससे फायदा? तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप फ्रूट्स ऑफ मेडिटेशन, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन पाएंगे, उस फ्रूट्स ऑफ मेडिटेशन को टेस्ट करेंगे तो आपको मन करेगा, है ना? तो ट्राई करें कि देखिए कैसे आपका एनर्जी लेवल इतना इंप्रूव हो जाएगा, आप एम्पावर्ड हो जाएंगे। तो आज इस एनलाइटनिंग सेशन से आप
मेडिटेशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे इन द एंड, लेकिन पहले हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे. इस एक्सरसाइज में आप देखना, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप अभी कुछ समय से ध्यान से सेशन सुन रहे थे, वैसे अब हम आपको जो पॉजिटिव थॉट्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ सजेशन, आप एक्सपीरियंस करना. फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपसे कहें, एक मिनट के लिए आप कुछ नहीं सोचें. ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपने ये सोचा, मुझे कुछ नहीं सोचना. दैट अगेन इज अ थॉट. सो वी आर नेवर एवर विदाउट थॉट्स. सो मेडिटेशन इज नॉट टू स्टॉप थिंकिंग. हम थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते, आप ट्राई भी करेंगे तो नहीं होगा. सो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नॉट टू स्टॉप थिंकिंग बट टॉप थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग. अभी हम आपसे कहें कि एक मिनट के लिए आप ब्यूटिफुल सीनरी को याद करें, या अपने फेवरेट पर्सन को याद करें, या अपनी हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ को याद करें फॉर वन मिनट. चेक करें, पॉसिबल है? Yes. इसका मतलब हम अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हैं बट स्टॉप नहीं कर सकते. आप ये नहीं सोचना कि मेडिटेशन इज टू स्टॉप थिंकिंग, कुछ नहीं सोचना, और ये तो मुझसे होगा नहीं. हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमसे कैसे होगा? ये तो उनके लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठे हैं. नहीं, मेडिटेशन अर्थात नॉट टू स्टॉप थिंकिंग, बट हमें चैनलाइज करना है. तो हम अपने थॉट्स को, अपने फोकस को, अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम जो मुझे नापसंद है उससे जो पसंद है. जनरली आप देखेंगे लोगों का ध्यान उस पर जाता है जो नापसंद है, जो अनवांटेड है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है. लेकिन अगर हम अटेंशन दें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है ऑन व्हाट आई वांट, ऑन व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज पॉजिटिव फॉर मी, एंड व्हाट इज राइट फॉर मी. सो मेडिटेशन अर्थात कॉन्शियसली एक जगह पर बैठकर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम शिफ्ट करते हैं अपने अटेंशन ऑन व्हाट आई वांट, what is good for me. So इस तरह से हम अपने consciousness को, अपने focus को shift करते हैं, और वो आएगा interest से. जहाँ interest होगा automatically attention वहीं पे जाता है. तो अगर आपको interest होगा कि मुझे वो achieve करना है जो हम चाहते हैं, तो आप अपनी wishes पर, अपनी achievements पर focus करेंगे, और उससे आपके अंदर वो फीलिंग बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, और उस बिलीफ सिस्टम से ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस होगी. सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन सक्सेस इन लाइफ. अभी कैसे हम थॉट से प्रैक्टिस करेंगे? आइए एक शॉर्ट एक्सरसाइज. आप सभी अपने अपने मीटिंग रूम में लैपटॉप फोन इस गैजेट के सामने बैठे हैं जूम मीटिंग में. अब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी थॉट पावर को यूज करें. उस थॉट पावर से अपने घर के अंदर एंटर करें,
किचन में जाएं, विद द पावर ऑफ योर थॉट फ्रिज खोलें, देखें बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, उसमें से आपने ऑरेंज चूज किया, पील करें, खाएं, कैसा रहा टेस्ट, फील किया? ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, लेकिन विद द पावर ऑफ योर थॉट, इसी प्रकार अपने थॉट पावर से अब हम फ्रूट्स ऑफ मेडिटेशन टेस्ट करेंगे। आइए कुछ मिनटों के लिए हम आपको थॉट्स दे रहे हैं, आप उसे फॉलो करना और एवरी थॉट को फील करना, एक्सपीरियंस करना। टर्न योर माइंड इनवर्ड्स, ट्यून योर इंटेलेक्ट टूवर्ड्स द सोर्स, ट्रेन योर संस्कार्स टू बी डिवाइन। सिट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आई, द बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, टाइनी स्टार, द एनर्जी, धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें, जैसे एक बिंदी होती है इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आई, प्योर डिवाइन सोल, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा, धीरे धीरे इस शरीर से, इस शहर से ऊपर उड़ती जा रही हूँ। देखें अपने आप को ऊपर उड़ते हुए, इस कॉलोनी के ऊपर और ऊपर, ग्लोब के ऊपर। मैं आत्मा अपने घर जा रही हूँ, चांद सितारों को क्रॉस करते हुए ऊपर उड़ती जा रही हूँ। मैं ऐसी जगह आकर पहुंची हूँ जहाँ चारों तरफ गोल्डन लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरा घर जहाँ कंप्लीट साइलेंस है, शांति की दुनिया है ये। यहाँ मेरे जैसी और आत्माएं हैं। मेरे सामने एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा है, उसकी प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा, जिसको मैंने आज तक कहाँ कहाँ ढूंढा, मैं आत्मा उसके सामने आकर बैठी हूँ। शिव बाबा का कितना शुक्रिया, उसने आकर मुझे चुना, अपने पास बुलाया। उसके पास जाकर बैठ जाएं। मन में कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई पास्ट की बात, कुछ भी है, हम उनसे कर सकते हैं। बता दें उनको हर चीज, हर बात। वो पवित्रता के सागर, शांति के सागर, जैसे सूर्य की किरणें होती है, शिव बाबा की शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। और मुझ आत्मा में भरती जा रही है, एक लेजर बीम की तरह। वो शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा, दिव्य,
शांत स्वरूप हूँ। शिव बाबा की शक्तियाँ हर क्षण मेरे साथ हैं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे उसी रास्ते चांद सितारों को क्रॉस करते हुए वापस इस कर्म क्षेत्र में, इस जूम मीटिंग रूम में, इस शरीर में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रकुटी के बीच अपने स्थान पर आ गई। आई एम चार्ज्ड विथ गॉड्स एनर्जी, विथ इट्स डिविनिटी। अब मेरा हर थॉट, हर बोल, हर कर्म दिव्य, प्योर और डिवाइन होगा। मेरी प्योरिटी मेरे शरीर के अंग अंग तक पहुंच रही है और ये प्योरिटी चारों तरफ सारी आत्माओं को फैल रही है। ओम शांति।